गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। कल हम लोगों ने अपने ई की मात्रा वाला लेसन पढ़ा, ठीक है। फोर्थ लेसन हमारा क्या था, नानी ककड़ी लाई, तो उसमें कौन सी मात्रा का यूज किया था हम लोग, बड़ी। कौन सी मात्रा का, बड़ी ई की मात्रा का। तो उसी से आधारित आज हमारा एक पोयम है। क्या है पोयम, गुनगुनाओ। तो भाभी, कौन सी पोएम है, भाभी, देखिए। और इसमें ये ध्यान देंगे, पढ़ते समय हमेशा हम लोग ध्यान देंगे कि कौन सी मात्रा यूज हुई है, कहाँ कहाँ बड़ी ई की मात्रा का उपयोग किया गया है। ओके, नाउ स्टार्ट। भाभी आई, भाभी आई, राजनगर से भाभी आई, साथ में टॉफी बर्फी लाई, राजा राजा मुझे बुलाई, मुझे देख ऐसे मुस्काई जैसे बरसों बाद है आई, भाभी आई भाभी आई। इतना देखिए आप लोग, तो इसमें जो भाभी वर्ड शब्द है उसमें कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी ई की। आई तो बड़ी ई, ई तो खुद ही बड़ी ई है, देख रहे हैं ना। राजनगर से भाभी आई, साथ में टॉफी, वहाँ पे कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की। साथ में टॉफी बर्फी लाई, राजा राजा मुझे बुलाई, मुझे देख ऐसे मुस्काई जैसे बरसों बाद है आई, भाभी आई भाभी आई। तो इन सब में कौन सी मात्रा से हम लोगों ने पूरी पोयम पढ़ी, बड़ी की मात्रा से। आगे देखिए, बर्फी लाकर मुझे खिलाओ, फिर बर्फी में क्या है, बड़ी की मात्रा, और मुझे खिलाओ तो खा पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की। इसको ध्यान देंगे कि ये नहीं कि हर जगह बड़ी की मात्रा, तो वहाँ पे भी बड़ी की नहीं, कहीं कहीं छोटी ई की मात्रा भी हो सकती है, आ की मात्रा भी हो सकती है, और ओ की मात्रा भी है। ये क्या है, छोटी ई की। बर्फी लाकर मुझे खिलाओ, दीपा को तुम दूर भगाओ, दीपा पे कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की। आओ आओ मिलकर गाओ, भाभी आई भाभी आई, ठीक है। एकदम अच्छे से देखिए कहाँ कहाँ मात्रा और कौन कौन सी मात्रा का उपयोग किया गया है। फिर से देखिए, भाभी आई भाभी आई, राजनगर से भाभी आई, साथ में टॉफी बर्फी लाई, राजा राजा मुझे बुलाई, मुझे देख ऐसे मुस्काई जैसे बरसों बाद है आई, भाभी आई भाभी आई। बर्फी लाकर मुझे खिलाओ, दीपा को तुम दूर भगाओ, आओ आओ मिलकर गाओ, भाभी आई भाभी आई। ये पूरा पोयम अच्छे से आप लोग पूरा पहले रीड करेंगे, उसके बाद लर्न करेंगे, और होमवर्क में क्या करेंगे, इसको पूरा होमवर्क में रीड करने के बाद होमवर्क डाल के होमवर्क में पूरा राइट करेंगे। ये पूरा भाभी, यहाँ से भाभी आई से लेकर पूरा नीचे भाभी आई तक, ठीक है। अच्छे से आप लोगों को पोएम, जितना पोएम बता रहे सब लर्न हो जाना चाहिए छुट्टी में, और लर्न करने के बाद इसको अच्छी हैंडराइटिंग में एकदम साफ साफ दूर दूर पूरा राइट करके आएंगे। ओके बाय।